हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी टीम। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गुआना वर्सेस बारबाडोस के बारे में, जो कि सीपीएल की लास्ट यानी फाइनल मैच होने वाली है। आपको पता ही है, हमने जो भी फाइनल मैच की जो प्रिडिक्शन की है मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, सारे में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप मेरे चैनल पर जाके आईपीएल का फाइनल, उसके बाद वर्ल्ड कप का फाइनल जाके आप देख सकते हो। अगर आपने मेरे टीम से खेला होगा तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा विन किया होंगे। तो आज मैं आपको दोनों ही टीम देने वाला हूँ। एक टीम देने वाला हूँ ड्रीम इलेवन पे, जो आप स्मॉल लीग में लगा सकते हो और अच्छा खासा विन कर सकते हो, दो से लेके फाइव मेंबर्स के बीच। एक मैं टीम देने वाला हूँ आपको माई टीम इलेवन पे, जिस पे आप ग्रैंड लीग में टीम लगा सकते हो और बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो। हालांकि जो ग्रैंड लीग की टीम है वो आप 20 मेंबर से ऊपर के किसी भी लीग में लगा सकते हो। और ग्रैंड लीग की टीम जो है थोड़ा रिस्की मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, क्योंकि पिच कंडीशन को ध्यान में रख के मैंने यहाँ पे टीम बनाया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में। उससे पहले आपको जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको प्लेइंग इलेवन देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं पहले ब्रेंडम किंग, हेमराज, हिटमायर, शोएब मलिक, पुरान, रदरफोर्ड, पॉल, ग्रीन, ओडेन, सरफेट और यहाँ पे ताहे। तो इस टीम में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जेपी डुमिनी को लेके है। जेपी डुमिनी जो है वो इंजर्ड हो गए थे लास्ट मैच पे, तो यहाँ पे डाउट अभी भी बना हुआ है, कंफर्म नहीं है कि वो मैच के पहले जो है फिट होंगे या नहीं। तो उसकी जगह जो यहाँ पे डैनियल क्रिस्टन शायद खेल सकते हैं अगर जेपी डुमिनी फिट ना हो तो। अब बात कर ले तो उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आसलेनर्स, रिफर, जेसन होल्डर, गर्नी, विल्स और यहाँ पे कार्टर। तो बात कर लेते पिच रिपोर्ट की, तो जैसे कि आपको पता ही है 160 से लेके 70 एक बहुत ही आइडियल पिच होगी। जो भी टीम जो है पहले टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी, एक टारगेट सेट कर लेगी, उसके बाद वो आसानी से कम कोशिश करेगी कम से कम रनों पे जो है ऑपोजिशन को रोकने की, और वहाँ पे वो लोग जो है टारगेट को चेस करने की कोशिश करेंगे। वहीं पे अगर हम लोग पहले गुआना की बात करते हैं तो गुआना का परफॉर्मेंस जो है इस बार सीपीएल में वो अनबीटन रहे हैं, और अभी तक इनको जो है इस आईपीएल सीपीएल में जो है एक भी बार इन्होंने मैच नहीं हारा है। तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही। वहीं पर बारबाडोस जो है सेकंड बेस्ट टीम है, क्योंकि सेमीफाइनल में उड़ चुकी है, और सेमीफाइनल में भी जो है गुआना ने जो है बारबाडोस को हराया हुआ है। और इन्होंने लीग मैच में जो है लगभग ये लोग जो है शायद 10 में से जो है 5 मैच जीते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की ड्रीम इलेवन टीम के बारे में, जो आप स्मॉल लीग में लगा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर से। विकेट कीपर पे आपके पास यहाँ पे तीन बहुत ही अच्छे ऑप्शन है। पहला है जॉनसन चार्ल्स, दूसरा है निकोलस पुरान, तीसरा है साई होप। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाली है, आप किसे लोगे किसे नहीं लोगे। इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊँ तो आप एक चीज़ करना तो भूल गए होंगे, मुझे पता है, वो है लाइक करना वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपको इस तरह का वीडियो रेगुलर चाहिए और आप अच्छा विन करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आप किसे कैप्टन या वाइस कैप्टन लेने वाले हो, और साथ ही आपका अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत ही चीज़ आसान कर देता हूँ। सपोज़ अगर बारबाडोस से यहाँ पे अगर पहले बैटिंग कर रही है तो आप साई होप को ज़रूर लीजिए। आप तीनों को ले सकते हैं, लेकिन तीनों को लेना बहुत ही रिस्की है स्मॉल लीग में, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ दोनों को लिया है। क्योंकि अगर पहले बैटिंग करती है बारबाडोस तो साई होप बहुत ही इंपॉर्टेंट बैट्समैन हो जाते हैं। वहीं पर जॉनसन चार्ल्स का जो ये सीपीएल है बहुत ही अच्छा रहा है। और अगर पहले बैट अगर सेकेंड बैटिंग जो है गुआना करती है तो पुरान को मैं यहाँ पे ड्रॉप करने वाला हूँ। आप चाहें तो इन दोनों को ड्रॉप करके पुरान को ले जाए, लेकिन ये मेरी ओपिनियन है, जॉनसन चार्ल्स और साई होप आपके लिए बेस्ट रहेंगे। क्योंकि पुरान जो है नीचे बैटिंग करने आते हैं, और फाइनल मैच में अगर नीचे बैटिंग करने आएंगे ऊपर से बहुत सारा प्रेशर होगा फाइनल मैच के, तो अच्छा वो हम ना भी कर सकते हैं। तो वहीं पर हम लोग यहाँ पर तीन बैट्समैन को लिया है, जो कि ब्रेंडन किंग जो कि बहुत ही अच्छा इनका सीपीएल रहा है, हिटमायर को मैंने लिया। आप हिटमायर की जगह यहाँ पे जो है एलेक्स हेल को भी ले सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे हिटमायर को लिया हुआ है। अगर आप नीचे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आस्ले नर्स को लिया है। ज़्यादातर लोग बहुत ही ज़्यादा चमका जाएंगे कि ये देखिए कि मैंने यहाँ पे आस्ले नर्स को क्यों लिया हुआ है। और जैसे कि आपको पता है बहुत ही कम लोगों ने जो यहाँ पे आस्ले नर्स को लिया होगा, क्योंकि लास्ट मैच का इनका पॉइंट जो है बहुत ही अच्छा रहा था। इसके अलावा इनका जो कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन आसले नर्स एक बहुत ही अच्छे बॉलर के साथ एक बहुत ही अच्छे जो है अच्छे खासे हिटिंग भी लगा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको लिया हुआ है। और स्पिनर के लिए जो है पिच
ऑब्वियसली बहुत मदद करती है। अगर एक ओवर में इनको 2 विकेट मिल गया या फिर 2 ओवर में 2 विकेट मिल गया तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसके अलावा आप किसे ले सकते हो बैटिंग कैटेगरी में? आप एलेक्स हेल को ले सकते हो, हालांकि इनका जो परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। रदरफोर्ड को आप ले सकते हो, जॉन जे कार्टर को आप ले सकते हो। तो यही कुछ आपके पास ऑप्शन है। हालांकि आप बैट्समैन जो है आपके लिए कोई मेजर पॉइंट जो है यहाँ पे नहीं कर सकते, हालांकि ब्रैंडन किंग जो है लास्ट मैच में इन्होंने 100 किया था तो उनको लेना लाजमी है। तो अब अगर मैं स्मॉल लीग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्रेडिट की प्रॉब्लम होने वाली है, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही बड़ा रिस्क लिया हुआ है कि ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे शकीब अल हसन को ड्रॉप करेंगे क्रेडिट की प्रॉब्लम की वजह से, या फिर जेसन होल्डर को। लेकिन शोएब मलिक को जो है 90% लोग ड्रॉप नहीं करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे शोएब मलिक को ड्रॉप किया हुआ है क्योंकि फाइनल मैच है, उनके ऊपर प्रेशर होगा, कैप्टनसी कर रहे हैं ऊपर से गुआना के लिए। तो मैंने यहाँ पे शोएब मलिक को नहीं लिया है, लेकिन आप जो है मेरी सोच से जो आपकी सोच जो है मैच ना हो सके तो आप चाहें तो अपने टीम में शोएब मलिक को, लेकिन जो है मैंने शोएब मलिक को नहीं लिया हुआ है। ये मेरा जो है आप कह सकते हो मास्टर स्ट्रोक होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे शोएब मलिक को नहीं लिया है स्मॉल लीग की टीम में। अब बात कर लेते हैं हम लोग जिसे मैंने लिया है, शकीब अल हसन को बहुत ही कम लोग लेंगे, ठीक है, क्योंकि शकीब अल हसन का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है 2-3 मैचेस पे इसलिए, लेकिन फाइनल मैच में बड़े प्लेयर ही काम आते हैं। वही पे मैंने यहाँ पे जेसन होल्डर को लिया है और यहाँ पे मैंने हेमराज को लिया है। ज़्यादातर लोग जो है हेमराज को ड्रॉप करके यहाँ पे, मैं अगर जेपी डुमिनी खेलती है, जैसे कि आपको पता नहीं है कि जेपी डुमिनी या फिर क्रिस्टन में से कोई एक खेलेगा, अगर जेपी डुमिनी नहीं खेलती है तो मैं यहाँ पे, अगर डैनियल क्रिस्टन खेलते हैं तो मैं डैनियल क्रिस्टन को लेने वाला हूँ, और डैनियल क्रिस्टन के अलावा अगर कोई खेलता है तो मैं यहाँ पे हेमराज को लेने वाला हूँ। क्योंकि इस मौलिक की टीम है तो आपको हेमराज को लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ओपनिंग करते हैं, अगर उन्होंने लगभग 20-30 भी रन कर लिया, ऊपर से इनको अगर 1 विकेट भी मिल गया तो ये बहुत ही अच्छे जो है आपके लिए प्लेयर साबित हो सकते हैं। हालांकि मुझे पता है ज़्यादातर लोग जो शायद हेमराज को ना ले और ज़्यादातर लोग जो है शोएब मलिक के ऊपर ज़रूर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको रिक्स लेना भी बनता है। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे जो है चाहें तो केमो पॉल को अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं केमो पॉल, क्योंकि बहुत ही अच्छे हीटर है और अच्छे खासे डिस्क में बॉलिंग भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की, बॉलर्स को आपको मस्ट हैव बॉलर है जैसे इमरान ताहिर, क्रिस ग्रीन, और अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे वॉल्स, ये सब को तो आप लेना ही लेना है। इसके अलावा जो आप ले सकते हैं वो है आप जो है यहाँ पे हैरी गन्नी को ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी जो आप कुछ अच्छे बॉलर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि बॉलर्स और ऑलराउंडर्स ही आपके लिए ज़्यादातर पॉइंट जो है यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे शकीब अल हसन के साथ जा रहा हूँ। वहीं पर वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पे जेसन होल्डर को लिया हुआ है। अब यहाँ पे सोचोगे, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन एक टीम का मतलब दोनों टीमों का होना चाहिए, लेकिन हमने जो देखा है CPL में ज़्यादातर मैचेस जो है बराबरी का नहीं हो रहा है, एक टीम जो है ज़्यादा टीम दूसरी टीम पे भारी हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने प्रिडिक्ट किया है कि यहाँ पे जो है बारबाडोस जो अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है, इसलिए मैंने शकीब अल हसन को कैप्टन एंड जेसन होल्डर को मैंने यहाँ पे वाइस कैप्टन लिया हुआ है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कैप्टन जो है चेंज कर सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है माई टीम 11 के बारे में। तो माई टीम 11 जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप नहीं खेलते नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, जाइए रिफर कोड देके डाउनलोड कर लीजिए। रिफर कोड देना मस्त है, अगर आप रिफर कोड नहीं दोगे तो आपको बोनस जो है नहीं मिलेगा, तो आपको पैसा ऐड करके खेलने होगा। और आपको KYC यानी आपको सारी डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे वेरीफाई भी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप यहाँ पे जो है अच्छा खासा बोनस अर्न कर सकते हो। बोनस आपको 100 रुपीज़ मिलेगा जो आप जो है 100% यूज़ कर सकते हो किसी भी 100 या 100+ लीग के मेंबर में, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग की टीम में। तो ग्रैंड लीग की टीम में मैंने यहाँ पे साई होप को लिया विकेट कीपर पे, मैंने यहाँ पे चार्ल्स और यहाँ पे पुरान को मैंने नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे साई होप को लिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया अगर साई होप अगर पहले बैटिंग करने आती है उनकी तो ये बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट प्लेयर बनते हैं। वहीं पे मैंने यहाँ पे ब्रैंडन किंग, रदरफोर्ड और हिटमेयर को लिया हुआ है, और मैंने कैप्टन यहाँ पे जो है शोएब मलिक को लिया है। मैंने आप ये बोलोगे कि मैंने जो यहाँ पे रिस्क ले लिया कि स्मॉल लीग को मैंने शोएब मलिक को नहीं रखा है और यहाँ पे डायरेक्ट लेके डायरेक्ट उसे मैंने कैप्टन बना लिया है, तो यही चीज़ फार्मूला जो है आपको समझना ज़रूरी है। अगर मैंने शोएब मलिक अच्छा परफॉर्म नहीं करते
तो सारे के सारे स्मॉल लीग मैं जीत जाऊंगा। अगर मैं स्मॉल लीग जीतता हूँ तो मुझे लगभग 4 से 5 गुना प्रॉफिट होगा, और ग्रैंड लीग अगर मैं सारे के सारे हार भी जाता हूँ तो मुझे कुछ भी जो मेरा लॉस नहीं होगा, क्योंकि उससे जो है 3 से 4 गुना जो है मैं यहाँ पे स्मॉल लीग में ज़्यादा अर्न कर चुका होऊंगा। और सपोज अगर शोएब मलिक नहीं चला, ठीक है, शोएब मलिक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और हम लोग लगभग 80% स्मॉल लीग हार गए, तो भी हम लोगों का रैंक जो है ग्रैंड लीग में बहुत ही ज़्यादा आएगा, और जो हमारा लॉस जो है बहुत ज़्यादा होने वाला था वो लगभग लगभग जो है नो लॉस नो प्रॉफिट में मैं यहाँ पे रह जाऊँगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे शोएब मलिक को लेके यहाँ पे कैप्टन किया हुआ है। तो आप भी अपनी स्ट्रेटजी जो है स्टेटस अपनी मेंटेन कर सकते हो, अपनी अपनी जो मुझे इंग्लिश उतना नहीं आता तो उसे क्या कहते हैं, अपनी दिमाग लगा के अपने लिए एक नया जो है आप रूल्स जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जेपी डुबिनी को वाइस कैप्टन बनाया, अगर खेलते हैं तो ये आप इसे लीजिए, अगर नहीं खेलते हैं तो आप इनको मत लीजिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सकीब अल हसन को मैंने लिया, मैंने यहाँ पे जेसन होल्डर, केमो पॉल, और यहाँ पे मैंने केमो पॉल और हेमराज को मैंने नहीं लिया हुआ है। इसके अलावा अगर अगर इस मैच पे मुझे पूरा भरोसा है अगर जेपी डुबिनी खेलेंगे ज़्यादातर चांसेस है, अगर नहीं खेलते तो मैं ज़रूर डैनियल क्रिश्चियन के साथ नहीं डाइट में यहाँ पे केमो पॉल के साथ जाऊँगा। अब बात कर लेते हैं बॉलर्स की, मैंने यहाँ पे 4 बॉलर्स लिया हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे आप जो है 2 विकेटकीपर नहीं ले सकते हैं, 3 आप ऑलराउंडर नहीं ले सकते, तो आपको यहाँ पे 4 बॉलर्स के साथ ही जाना है। तो मैंने यहाँ पे क्रिस ग्रीन, इमरान ताहिर, वुल्फ्स यहाँ तक मैंने सेम लिया है, और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बॉलर एज ए हैरी गन्नी लिया है, क्योंकि हैरी गन्नी हालांकि डेथ ओवर में बॉलिंग करते हैं तो विकेट लेने के चांसेस इनके बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने इनको लिया हुआ है अपनी टीम में। तो आप चाहें तो अपनी टीम में थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं और अच्छा खासा विन कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।